ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आपका स्वागत है। और अपन आज सब्जेक्ट मैथ क्लास टेंथ वैदिक मैथमेटिक्स सॉरी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स की आज हमें बात करेंगे। तो ध्यान दें, देखो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन है जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल 3 है, लीनियर। लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर 1। कोई भी इक्वेशन है, ये वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। और जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब हमारा ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इक्वलिटीज की बात हम 4.2 में करेंगे, अभी हम 4. एक्सरसाइज के लीनियर इक्वेशन और कितने वेरिएबल के हैं, 2 वेरिएबल के हैं। 2 वेरिएबल, पहला एक्स तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक्स और वाई, एल और एम भी हो सकते हैं, पी क्यू भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। और दोनों जो वेरिएबल है वो हमारे पास कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लीनियर। तो इसके लिए हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ग्राफिक जो मेथड है उसी का हम यहाँ यूज करते हैं। ग्राफिक विधि से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशंस होती है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले आप क्वेश्चंस पर ध्यान दें। x plus y equal 3, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि x plus y equal 3 और 3x minus 2y equal 4, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड देंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे x plus y equal 3 है तो आप इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, इक्वेशन फर्स्ट है तो x equal 3, ये प्लस पॉजिटिव y है, ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव y हो जाएगा। अब हमें एक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, बॉक्स। ये फर्स्ट है x और दूसरा है हमारे लिए y वेरिएबल, और हमें कम से कम 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम अब y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले y की वैल्यू, जब लिखने का तरीका फर्स्ट नंबर x इक्वल 3 माइनस y की जगह क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। सेकंड तरीका है, सेकंड x इक्वल 3 माइनस ब्रैकेट, और थर्ड में हो जाएगा x इक्वल 3 माइनस ब्रैकेट। अब देखो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 लिखी, क्या लिखी, 0, तो 3 माइनस 0 तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। तो y की वैल्यू हमने यहाँ 3 लिखी, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई। अब y की वैल्यू अब हम क्या लिखें, 1 लिख दें, तो y की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 माइनस 1 इक्वल 2। फिर y की वैल्यू हम 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दिया हमने, तो x इक्वल 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल 1, तो x की वैल्यू 1। तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है हमने उसको सॉल्व किया, x प्लस y इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम x इक्वल 3 माइनस y। फिर हम बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में हमें क्या करना है, बॉक्स में x और y की जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। जैसे y की वैल्यू हमने पुट करी और x की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। देखो x इक्वल 3 माइनस 0, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो 0 और 3। फिर x इक्वल 3 माइनस 1, 3 माइनस में 1 किया तो 2, और x इक्वल 3 माइनस 2 तो 1। अब देखो इक्वेशन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, तो देखो सेकंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है और फिर हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ आप खरीद लेंगे। देखो एक बार ध्यान दो, 3x माइनस 2y इक्वल 4 इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारा, तो हमें 3x के लिए सॉल्व करना है, तो 3x इक्वल 4 प्लस 2y, और x इक्वल 4 प्लस 2y अपॉन
अब देखो वाई की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ, यहाँ हमने बॉक्स बनाया, यहाँ एक्स और वाई वही थ्री वैल्यूज पुट करनी है। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे आप एक्स इक्वल फोर प्लस टू ब्रैकेट अपॉन थ्री, सेकेंड नंबर पे लिखेंगे एक्स इक्वल फोर प्लस टू ब्रैकेट अपॉन थ्री, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे एक्स इक्वल फोर प्लस टू ब्रैकेट अपॉन थ्री। देखो वाई की वैल्यू अब हमें यहाँ पुट करनी है कि y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट ऐसी वैल्यू करनी है कि 3 का डिवाइड हो जाए। तो देखो सबसे पहले y की वैल्यू हमने 1 पुट करी, तो देखो 4 2 और 1 2 बन जा 2 अपॉन 3, 4 और 2 कितने हो गए 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू हमने 1 पुट करी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 आई। इसी तरह हम y की वैल्यू अब क्या पुट करें, देखो तरीका बता दूं आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो 3 है नीचे वाला, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, या आप इसको माइनस भी कर सकते हो, तो 1 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो अपने ये किया तो 4 आ गया, 4 यहाँ लिखेंगे देखो क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 3, तो 12 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12, तो 4 पर 4 आ। अब देखो आगे वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ 4 आया तो 4 में क्या प्लस कर देंगे आप 3, कितना हो जाएगा 7, तो 7 तो 4 प्लस 14 अपॉन 3, और 4 प्लस 14 इसका मतलब क्या हो गया 18 अपॉन 3, और 3 6 जा 18, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो इस तरह हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, और इससे अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने में हमें इन बॉक्सेस का यूज करना है, इस बॉक्स का और इस वाले बॉक्स का, इन दोनों बॉक्स से हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है, ध्यान देना है आपको, बहुत आसान है ग्राफ बनाना भी। देखो मैं इनको बिठा देता हूँ आपको, अब आपको ग्राफ बनाने के लिए इन बॉक्स का यूज करके, और ये देखो आप बॉक्स को हटा देते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश, इधर हम एक्स और एक्स डैश, सबसे पहले यहाँ हम जीरो लिखेंगे, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। सबसे पहले हम इस वाले से हम ग्राफ बना रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हमें स्केल लिखना है, स्केल स्केल में एक्स एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ये हमने इसके लिखा, 1 यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि यहां जो डिफरेंस है वो 1 1 से हमें मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 और y की 0, सबकी 0 यही है, x की भी यही 0 और y की भी, तो यहां हो जाएगा। फिर देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारा ऐसे हम इसको ड्रॉ कर देंगे स्केल से, तो यहाँ हो जाएगा 3, 0, यहाँ हो जाएगा 2, 1, यहाँ हो जाएगा 1, 2। फिर हम इसकी बात करते हैं, देखो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, तो यहीं पे हो जाएगा। फिर देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, तो इस पे बन जाएगा। फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, तो देखो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 7, इस तरह ये भी हमारे पास ये बन जाएगा। तो x की वैल्यू 4, 4
यहाँ 6.7। अब देखो ये हमारे पास ग्राफ बना, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इंटरसेक्टिंग का मतलब है दोनों लाइन या दोनों वेरिएबल, ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी 2.1 पर। तो ये जो आंसर है हमारा 2.1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड और फोर्थ मैंने आपको अभी लिखे थे उनको आपको करना है। और इसका स्केल बहुत अच्छा है, ये एक्सरसाइज जो है 6 मार्क्स की आती है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में एक ही ग्राफ आता है, वो आपको अच्छे से करना है। ये 6 मार्क्स का है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से आगे का जो है कल अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अच्छे से अच्छा पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।